नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार और मैं राजन एक बार फिर आपके साथ हूं एक नए मुद्दे के साथ। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। दरअसल इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई की चिंता अभिभावकों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा समय गेम खेलने में बीत रहा है। इस मुद्दे पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। ये सूचना है खटीमा के रतूड़ी हॉस्पिटल की। खटीमा के इस हॉस्पिटल में आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों के लिए विशेष छूट की व्यवस्था है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। आइए अब आते हैं आज के विषय पर कि कैसे कोरोना बच्चों की पढ़ाई का दुश्मन बना हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जरा देखिए इस बच्चे को कैसे मोबाइल में पबजी खेलने में मगन है। ना पढ़ाई की चिंता, ना भूख प्यास की खबर, बस धुन है तो मोबाइल गेम की। अब जरा इस बच्चे को भी देखिए कैसे लेटकर मोबाइल में अपनी आंखें गड़ाए हुए गेम खेल रहा है। ऐसे में कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई को लेकर सबसे ज्यादा माँ बाप को चिंता है। ये कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है? अभी तो क्या है कि बच्चों का नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल जा नहीं रहे हैं, ऑनलाइन वर्क हो रहा है, तो बच्चे उसमें ध्यान इतना नहीं दे पाते हैं। इसलिए नहीं दे पाते कि बच्चों के लिए एक बताने वाला होता है। जैसे कि कोई स्कूल जाते हैं तो टीचर होते हैं तो वो उनको समझाते हैं। अब घर में उतना नहीं हो पाता जितना मतलब कि स्कूल में हो पाता है, इसलिए बच्चे क्या है कि उसमें काफी डिस्टर्ब रहते हैं। मतलब जी ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही है, तो उसका कुछ फायदा मिल रहा है बच्चों को? उससे फायदा क्या मिल रहा है सर, आजकल बच्चों के लिए क्या हो गया, एक तो मोबाइल दे दो तो बच्चे मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं, और पढ़ाई तो क्या जैसे तैसे हो ही रही है। जी पढ़ाई कैसी चल रही है इस समय कोरोना काल में बच्चों की? ठीक है, एक तो कोरोना काल लंबा चलने वाला है ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है, पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों की? सर पढ़ाई नाम मात्र के हिसाब चल रही है सर। ऑनलाइन पढ़ाई हो तो रही है पर बिल्कुल ना के बराबर हो रही है सर। ना के बराबर? जी ये कोरोना काल पता नहीं कितने साल तक रहे या महीने तक रहे, इसका कोई पता नहीं है सर। जी आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है सर। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5th क्लास में पढ़ती है। तो उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है सर? ऑनलाइन पढ़ाई हो तो रही है पर मेरी वाइफ भी उनको पढ़ा लेती है घर पे। अच्छा, मतलब घर पे आपने पढ़ाई की व्यवस्था कर रखी है? जैसे सर कर रखी है। जी उधर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, पर क्या वाकई ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए कारगर साबित हो रही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि भले ही स्मार्टफोन की तादाद काफी मात्रा में क्यों ना हो, लेकिन वो स्मार्टफोन बच्चों के लिए पढ़ाई का साधन नहीं बल्कि मनोरंजन का जरिया मात्र है। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते अभिभावकों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा है, कामकाज ठप है। ऐसे में उन्हें बच्चों की पढ़ाई की फीस देने की भारी चिंता है। मैं यही कहूंगी कोरोना वायरस की चलते हुए कामकाज तो ठप है और स्कूल की फीस भी जरूरी है, और हमें यही चिंता है कि कामकाज है नहीं तो हम फीस कहाँ से जमा करें। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि प्राइवेट स्कूलों की या सरकारी स्कूलों की फीस माफ करें। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यदि कोरोना काल लंबा चला तो हमारे समाज के सैकड़ों बच्चों का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा, क्योंकि नींव अगर कमजोर पड़ेगी तो उसमें मजबूत इमारत को खड़ा कर पाना मुश्किल होगा। ऐसे में कोरोना काल का असर बच्चों पर क्या होगा, जरा ये भी सुन लीजिए। कोई भी बच्चे लगभग उसमें जो है मेरे ख्याल से जो ऐसे ही 10-15% तक ही बच्चे रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं और बाकी बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं। इससे जो है ये पता चलता है कि बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, या तो उनके पास मोबाइल नहीं होगी या फिर जो है मोबाइल है तो उनके गार्जियंस भी उन पर ध्यान कम दे रहे होंगे।
जी जी, तो ऑनलाइन पढ़ाई का आपके अनुसार नुकसान हो रहा है या कोई फायदा मिल रहा है ऑनलाइन पढ़ाई? देखिए, अब कोरोना काल में जो है हम सभी की मजबूरी है जी, क्योंकि स्कूल खुल नहीं सकते जी, बच्चे विद्यालय को आ नहीं सकते हैं जी, जी। इस कारण जो है अब हम लोगों की मजबूरी है कि ऑनलाइन काम देना और बच्चों को करना। और मैं तो यही बच्चों को और गार्जियंस को यह संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आप लोगों को जो है आपके बच्चों को होमवर्क या कार्य दिया जा रहा है उसको आप स्वयं भी बच्चों की मदद करें ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है जारी रह सके और जो है बच्चों का ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ जो बच्चे सीख सकें। और आने वाले समय में जब भी स्कूल खुलेंगे तो फिर तो जो है बच्चे विद्यालय पहुंचेंगे ही, तब तक हम सभी को जो है मिलजुल कर जो है बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए जो है उनका सहयोग करना चाहिए। तो आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे कोरोना बच्चों की पढ़ाई का दुश्मन बना हुआ है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि अपने बच्चों को खुद पढ़ाइए। यदि आप खुद नहीं पढ़ा सकते तो ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि वो पढ़ाई कर पाएं। मोबाइल गेम से उन्हें दूर रखिए, क्योंकि घंटों मोबाइल की स्क्रीन देखने की वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। अब अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है, इस बात को गंभीर होकर के सोचिएगा। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल थारू समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई बात अगर आप कहना चाहते हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।